हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एरर डिटेक्शन और एरर स्पॉटिंग सो एज यू नो वी आर वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज ऑन एरर डिटेक्शन जहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे के सारे कंसेप्ट uh, कर रहे हैं जिनसे एरर्स आ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में सो एज़ यू नो कि हमारा जो क्वेश्चन uh, होता है वो कैसा आता है इट कम्स इन अ स्टेटमेंट जो कि डिवाइडेड होता है इन फाइव पार्ट्स एंड वी हैव टू फाइंड द पार्ट जहाँ पे एरर आएगा सो so, एरर आते किस किस से रिलेटेड हैं आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल सो इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चन जिसमें होगा एरर रिलेटेड टू प्रेपोजिशन इट्स प्रेपोजिशन होते क्या हैं आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इट प्रपोजिशंस आर द लिंकिंग वर्ड्स बिटवीन द फ्रेजेस बिटवीन द नाउन बिटवीन द वर्ब एनी थिंग इन साइड दैट स्टेटमेंट इट्स सेल्फ जैसे कि आर्ट हीज

ओके okay, ये क्या बता रहे होते हैं दैट की दे आर टेलिंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स विच वी आर टॉकिंग साइमटेनियसली इन द स्टेटमेंट इट सेल्फ सो दिस प्रपोजिशन कैन बी रिलेटेड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब लोकेशन टाइम प्लेस सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रपोजिशन यूज इन सेंटेंस आर ही सैट ऑन द चेयर ठीक है वो कहाँ पे बैठा ही कैन बी अ पर्सन डॉग एनीथिंग मेल का ओके okay? We can say like that, there is some milk in the fridge. Kaha pe? Inside of, uh, inside of fridge. So, these are the power of preposition that they tell us something. They tell the story. They tell tell the linkage between the two words which we are talking. We They tell us the link between the uh, position banate, batate hain. Pre position. They tell the position of the article of the thing which we are talking about. Okay, the preposition in a word or set of words that indicates location. So, or we will understand it when we will do the upcoming questions. So, you know the drill. As soon as I you can pause the video over there and you can solve the question with me. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आइटम सो वेयर इज द एरर एरर इज इन पार्ट सी एज लॉस कहाँ पे हो रहा है किसका हो रहा है लॉस ही लिखा हुआ है यहाँ पे हमें ऑफ भी लगाना था लॉस किसी चीज का हो रहा है ना हमारी प्रॉपर्टी का The society does not hold itself responsible for the loss of or damage to any item, okay? So the next question is, in spite of being very busy at project site, he saves time to the relatives. यहाँ पे preposition लगाई तो गई है, लेकिन गलत लगाई गई है। यहाँ पे replace करना पड़ेगा हमें to को for किसी के लिए टू का मतलब होता है किसी और को हम संबोधित जब कर रहे होते हैं लेकिन फॉर किसी के लिए करने का मतलब होता है ओके okay? हम किसी के लिए कर रहे हैं ये फॉर ओके इनस्पाइट ऑफ बींग वेरी बिजी एट प्रोजेक्ट साइट ही सेव्स टाइम फॉर द रिलेटिव ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पर्सन गेट प्रमोशंस इवन वेन दे आर नॉट वर्दी फॉर देम नो एरर सो द एरर इज़ न पार्ट डी क्योंकि यहाँ पे वर्दी ऑफ आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ वर्दी फॉर सो दीज आर कम सम फ्रेजेज जिनके साथ हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं सो so, आपको थोड़ा बहुत आपको याद भी रखनी पड़ेंगी इन सारी चीज़ों के लिए दट दे फ्लो इन सर्टिन यू नो Uh, they flow in certain direction. Like worthy of आएगा, worthy for नहीं आएगा. Worthy for हम तब use करेंगे. This this is a phrase itself actually. So worthy for हम तब use करेंगे अगर हमें ये बताना है कि वो किसी के लिए worthy था या नहीं था. Worthy था या नहीं था. Okay. So यहाँ पे worthy of आएगा. While he was returning from the office, a man attacked on

was वॉज कॉज बाय अट ऑफ sorry, factors that were once fascinating to her. So statement का मतलब है that कि उसके जो morals गिरे हैं was caused by वो कॉज थे किस चीज़ के उन factors के जो कि उसके लिए पहले बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले थे उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे उनके बारे में बात करना उसको अच्छा लगता है फैसनेटिंग ही शी वॉज ऑब्सेस बाय इट तो अब वो नहीं रहे सो द आंसर इज दैट की डिक्लाइन ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे डिक्लाइन इन आएगा ठीक है उसका डिक्लाइन हुआ है ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे इन आएगा प्रपोजिशन गलत लगी थी यहाँ पे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही me मी टू restaurant एंड ऑर्डर टू एंड ऑर्डर फॉर टू कप्स ऑफ कोल्ड कॉफी विच द वेटर बॉट इन an आवर नो एरर सो यहाँ पे एर है इन द पार्ट बी इट्स बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर फॉर कर दिया यहाँ पे ऑर्डर फॉर नहीं आएगा बिकॉज ये डिलीट फॉर ऑर्डर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब इज कि वो पहले से ही इम्प्लाई like कर रहा होता है वर्ब पहले ही क्या हमें बता रहे होते हैं दे आर टेलिंग अस सम काइंड ऑफ एक्शन वर्ब टेल्ज एस द एक्शन सो ट्रांजिटिव वर्ब इज ऑलरेडी टेलिंग इज द पोजिशन इट स्टेलिंग अस ऑलरेडी द फ्लो वो हमें पहले से ही बता रहा है कि कुछ एक्शन फ्लो हो रहा है सो so यहाँ पे ऑर्डर्ड फॉर नहीं आएगा ऑर्डर्ड टू कप्स उसका इम्प्लाई ही हो रहा है दैट की वो हो रहा है सो so फॉर की यहाँ पे जरूरत नहीं आएगी सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ही टुप मी टू अस्ट्रां एंड ऑर्डर्ड टू कप्स ऑफ कोल्ड कॉफी विथ द वेट बॉट इन एन आवर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर समिवर एंड लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी नो एर सो दरर इज इन दार्ट सी इट सेल्फ बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली लैंड सो लैंड नहीं आएगा ऑन लैंड आएगा से ऑन लैंड बिकॉज वो उसके ऊपर रह रहा है वी हैव टू टेल प्रशन है लिंकेज वी हैव टू शो कि इसका उससे क्या नाता है सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी देर आर सम एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वॉटर एंड ऑन लैंड इन वॉटर लगाया है तो ऑन लैंड लगाना है अगर इन नहीं होता तो ऑन भी नहीं होता देन वी कुड हैव जस्ट सिंपली सेड बोथ वॉटर एंड लैंड ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हिस्स टूअर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली टू चेन्नई

बट ऑल्सो बेंगलुरु दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजिडेंट मिस्टर कलाम इज मच सॉट आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट एंड इज इन्वाइटेड फॉर मैनी फंक्शन सो यहां पर कहां पे एर पे आएगा इज इन दी बिकॉज यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर हमें बोला यूज टू इंस्टेड ऑफ फोर यहाँ पे टू आएगा फोर नहीं आएगा टू फंक्शंस में मिलाया जाता था फंक्शन में बुलाया जाता था ओके द प्रेजिडेंट मिस्टर कलाम इज मच सॉट आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज इन्वाइटेड टू मैनी फंक्शन ओके फॉर नहीं आएगा टू आएगा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रोपरली नो एर सो so, यहाँ पे एरर इज इन द पार्ट सी इट बिकॉज लुक फॉर हर फॉर लग गया है उनके लिए देखता था उनको नहीं देखता था यहाँ पे आएगा लुक आफ्टर हर उनकी देखभाल करता था ओके लुक फॉर हर का मतलब हो गया उनको देख रहा है उनके लिए देख रहा है उनको ढूंढ रहा है बट लुक आफ्टर हर का आ जाएगा उनकी देखभाल करना ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज हिज मदर इज नॉट वेल